गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट, टुडे आई विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर 15 एंड दैट इज टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. फाइन, ये कल हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, टाइम्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में, और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं. ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर रही हूँ. बच्चों, ये चैप्टर हम पहले प्रीवियस वीडियो में अच्छे से रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन अब मैं समरी के थॉट पे आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है ड्राउट. ड्राउट मीन्स सूखा, है ना. इसका मतलब होता है बच्चों सूखा पड़ना. इट मीन्स अगर किसी क्षेत्र में या किसी एरिए में बच्चों अगर बारिश नहीं होती है, मतलब काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक अगर बारिश वगैरह रेन्स नहीं होती है बच्चों, तो वहाँ पे ड्राउट हो जाता है, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ता है ना, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है ना. उनके पानी की कमी हो जाती है, उनके जो कैटल्स वगैरह होते हैं, उनके मवेशी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनके एनिमल्स जो वो लोग पालते हैं, उनको प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्यास के मारे मरने लग जाते हैं ना. और इसके अलावा उनके क्रॉप्स को, उनको फील्ड को, जैसे उनकी खेती बाड़ी जो करते हैं, उनकी फसलें जो होती है वो पूरी सूख के तबाह हो जाती है. तो इट मीन्स उनके, मतलब उनके वैल्यूएबल थिंग्स को नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा उनके बहुत से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, उनके खाने पीने की कमी हो जाती है, और लोग पानी के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाती है, परेशान से हो जाते हैं. ठीक है, तो ये बच्चों उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे कि लिटिल रेनफॉल होती है, बहुत थोड़ी सी बारिश होती है, या बिल्कुल कभी कभी ना के बराबर होती है ना, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये भी एक नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है. ठीक है, इसके कीपेन आई देखिए बच्चों, उसमें कहा है कि विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल एनीमोमीटर. देखिए बच्चों, इसमें एक आपको नई चीज़ बताई गई है, जिसमें कहा है कि विंड स्पीड, मतलब जब हम हवा का जो, हवा जो चलती है ना, जिस स्पीड से, जिस गति से तेज चलती है, उस हवा की अगर उस स्पीड को हमें मेज़र करना है, नापना है हमें, तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको हम मेज़र करते हैं उसको कहते हैं एनीमोमीटर. फाइन, उसको इस नाम से जाना जाता है. चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइटिंग. लाइटिंग मीन्स बच्चों होता है बिजली चमकना. जानते हैं आप, जब भी बारिश होती है, तेज बारिश होती है, बहुत तेज, जब बादल गड़गड़ा के जब बारिश होती है, कभी आप देखते हैं बारिश के सीजन में, तो उस समय जो इतनी तेज मात्रा में जब बारिश होती है और बादलों में काले घनघोर बादल होते हैं, उस वक्त देखना बच्चों आकाश में बिजली भी चमकती है ना. आपने कई बार देखा होगा, और हम लोग डर से जाते हैं एकदम से कि इतनी तेज बिजली चमकी जिसकी रोशनी बिल्कुल नीचे धरती तक, जबकि कितनी ऊंचाई पे होती है वो, है ना, बादल कितने ऊंचाई पे होते हैं, लेकिन उसकी जो लाइट्स होती है वो एकदम नीचे ज़मीन तक हमको टच करती है. और कभी कभी तो किसी किसी जगह पे तो ये लाइटिंग जो होती है बच्चों, ये जो बिजली जो होती है वो कहीं पे टूट के घिर भी जाती है. मतलब लाइटिंग जो, वो उसका जो होता है, वो उसका तेज, उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, या उसकी प्रभाव, उसका इफेक्ट इतना तेज होता है, ख़तरनाक होता है बच्चों, कि वो धरती पे या पेड़ पौधों पे या कहीं ऐसे जंगल वगैरह में वहाँ पे टूट के घिरती भी है, जिससे क्या होता है वहाँ पे उस एरिया की जगह पर बहुत नुकसान पहुँचता है, वो जल जाता है, जैसे क्रॉप्स वगैरह हैं तो वो जल जाती है, या किसी ह्यूमन बींग या एनिमल्स के ऊपर कभी कैटल्स के ऊपर गिरती है तो वो भी मर जाते हैं वहाँ पे, है ना. इसके अलावा अगर कहीं फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे जंगल वगैरह होते हैं, अगर वहाँ वो लाइटिंग गिरती है कभी कभी, चौंध के जो बिजली गिरती है कड़क के, तो बच्चों पूरा का पूरा जंगल जल के राख हो जाता है. तो ये भी एक बच्चों नेचुरल डिजास्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत हार्मफुल होता है. फाइन, चलिए नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ा सा और रीड करते हैं बच्चों, नीचे वाले पैराग्राफ पे आएंगे. डायरेक्ट लाइटनिंग कैन इफेक्ट अ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स बाय डैमेजिंग रूफिंग मटेरियल्स, चिमनीज, हीटिंग और एयर कंडीशंस यूनिट्स प्लेस्ड आउटसाइड एंड बिल्डिंग्स, और इवन फायर्स बाय इग्निट वुडन फ्रेम्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड फ्लेमेबल एंड लिक्विड. देखिए बच्चों, ये जो लाइटिंग है, इसका आपको इसमें और भी बताया है कि लाइटिंग का जो इफेक्ट होता है बच्चों, साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट होता है, वो बिल्डिंग्स पर भी होता है, उनको डैमेज कर देते हैं, रूफ्स वगैरह लोगों के घरों की छत पर, वहाँ भी बहुत हार्मफुल होता है, उनके घर की छतों पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी जो छत जिससे बनी होती है उसके मटेरियल को वो इफेक्ट डालती है ना, जिससे कि वो ख़राब हो जाते हैं. घरों पे जो चिमनीज वगैरह लगी होती है बच्चों, हीटिंग वगैरह, एयर कंडीशन वगैरह जो लगे होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उन पे भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के यह है बच्चों कि अगर लाइटिंग उस समय होती है और बहुत तेज अगर बिजली चमकती है और कहीं पर गिरती है, तो बहुत सी जनधन माल का नुकसान होता है. फाइन, नेक्स्ट बच्चों इसमें दिया है पैराग्राफ, जिसमें आपको दिखाया है कि जितने
भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, इसको मैं आपको एक टू द पॉइंट इसका मीनिंग समझाती हूँ कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो कि अभी हमने इस चैप्टर में रीड किया है जिसके बारे में हमने समझा, लाइक लैंडस्लाइड है, ड्राउट है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स एंड साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, ये जितने भी होते हैं हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री के बाहर भी आउटसाइड है ना, दूसरी अदर कंट्रीज़ में भी होते हैं, तो ये बच्चों बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के पूरे पूरे एरियाज़ को, यहाँ तक तक बच्चों वहाँ के विलेजेस मतलब उस गांव को या उस सिटी को एक तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, है ना। और उस चीज़ को वापस से सोचिए, उस चीज़ को वापस से वहाँ डेवलप करना, वहाँ पे फिर से डेवलपमेंट होना या वहाँ पे फिर से वो सारी सुविधाएं जुटाना वहाँ करना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फाइन, नेक्स्ट ईयर बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है आपका, एक्शन प्लान टू फेस डिजास्टर। देखिए बच्चों, डिजास्टर को फेस करने के लिए कौन कौन से एक्शन प्लान लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू या कोई एनजीओस के थ्रू या पर्टिकुलर लोगों के थ्रू, मतलब लोग जो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ना, एक सोशल वर्कर मान लो जो होता है ना, सोशल सोसाइटी वगैरह होती हैं, उनके थ्रू कौन कौन से एक्शन प्लान किए जाते हैं ऐसे डिजास्टर को फेस करने के लिए, है ना, या फिर तो उनको पहले ही निपटने के लिए, या अगर वो डिजास्टर आ चुके हैं वहाँ पे, वो दुर्घटनाएं हो चुकी है, उसके बाद किस किस तरह से हम उनको संभालते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। जैसे कि इसमें बताया बच्चों, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू वेल फाउंडेड प्लान टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सेलिब्रेटेड सोसाइटीज इमीडिएटली रिलीफ टू विक्टम्स ऑफ द डिजास्टर बाय द गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम एनजीओ बोलते हैं, द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। बच्चों देखिए, जो भी नेम्स हम बताए जा रहे हैं, जो कुछ तो गवर्नमेंट रिलेटेड होती है और कुछ जो नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड होती है बच्चों, वो सब है ना, इन सबके थ्रू जो भी एक्शन प्लान लिए जाते हैं, द मीडिया प्लेज इन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक। मीडिया भी इसमें बहुत अच्छा सा रोल प्ले करता है, पब्लिक को अलर्ट करने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए, जैसे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है तो उसमें मीडिया का बहुत अच्छा रोल होता है बच्चों, वो पहले से अनाउंस कर देते हैं, जैसे टीवी न्यूज़ के माध्यम से मानो या न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से मानो, या इसके अलावा आज तो बच्चों नेट के द्वारा भी हम लोगों को बहुत जल्दी से पता चल जाता है, हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, या गवर्नमेंट हमारी या जो हमारी एनजीओ वगैरह जो और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, इस तरह के जो भी हमारे हेल्पिंग वर्कर्स होते हैं, है ना, और या कोई सोसाइटी फील्ड वाले होते हैं, तो इन सबको पहले ही अलर्ट हो जाते हैं, इन सबको पहले ही मालूम चल जाता है कि इस एरिया में डिजास्टर आने वाला है, तो या फिर तो वो पहले ही प्रिकॉशन कर लेते हैं कि मतलब अपना पहले से ध्यान रख लेते हैं, उनको जाके वहाँ के लोगों को जाके समझा जाते हैं, समझा देते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरह की घटना होने वाली है, तो उनको पहले से वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं ना, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना है ना, इस तरह से। या फिर ये डिजास्टर आने के बाद भी वो लोग किस तरह से हेल्प करते हैं बच्चों, वो लोग देखिए जहाँ पे ये डिजास्टर, इस तरह की भयानक दुर्घटनाएं होती हैं बच्चों, नेचुरल डिजास्टर जहाँ थे, तो वहाँ पे वो लोग उन लोगों को जो जिनके की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई, तो उनको वो लोग किस तरह से हेल्प करते हैं कि जैसे वो उनके घर तबाह हो गए, घर नष्ट हो गए, तो उनके लिए टेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, उनके लिए टेम्प्रेरी घर बनाते हैं जिसमें कि वो रह सकते हैं, है ना। इसके अलावा उनको क्लोथ्स की सुविधाएं देते हैं, उनको पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, उनको खाने की भोजन दिया जाता है, पैकेट्स बांटे जाते हैं, इसके अलावा मेडिसिन वगैरह की, अगर वो लोग इंजर्ड हुए तो डॉक्टर वगैरह होती है, एनजीओ की टीम वगैरह होती है, डॉक्टर्स नर्स वगैरह वहाँ उनको ट्रीट करते हैं, है ना, उनको हेल्प करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उनको मेडिकल जो भी सुविधाएं होती है वो उनको वहाँ पे दी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जो भी होते हैं ये एक्शन प्लान होते हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू भी होते हैं और नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी के थ्रू भी होते हैं। फाइन, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें हेडिंग दिया है, नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर इसमें दिया है फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में जानिए, फर्स्ट एड इज़ द बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इन एन इमरजेंसी। और फर्स्ट एड बॉक्स शुड ऑलवेज बी केप्ट रेडी टू मीट एन इमरजेंसी। यू कैन कीप ए फर्स्ट एड किट इन योर क्लास टू। फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन दीज थिंग्स। देखिए बच्चों, फर्स्ट एड जो होता है बच्चों, ये बेसिकली एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जो कि अगर अचानक से कोई पर्सन सिक हो गया है या कोई इंजर्ड हो गया है कोई पर्सन, तो उसको इमरजेंसी के रूप में जो सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा हम देते हैं,
है ना, या सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाना अगर हॉस्पिटल बहुत दूर है ना, या कोई कन्वेंस नहीं है पास में, हम कैसे उसको लेके जाएं? तो सबसे पहले जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, फर्स्टली जो प्रोवाइड किया जाता है उसको कहते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में क्या होता है बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और वो हमेशा साथ में रखी जाती है। जैसे उनके नेम पढ़ते हैं हम, इसमें दिया है, जैसे इसमें दिया है स्टरलाइज गॉस पैड, है ना। एक स्टरलाइज क्या हुआ, गॉस पैड होता है जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं पट्टी, जो एक कॉटन की वाइट वाइट इस तरह होती है उसको हम पट्टी बोलते हैं, जिसको कि फर्स्ट एड गॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एडेसिव टेप भी होती है, जिसको कि हम जैसे कहीं पे टेप करना है हमको, उसको जैसे उसको ट्रीटमेंट दिया हमने गॉस वगैरह लगाया तो उसको फिक्स करना है, हमको चिपकाना है, तो एक टेप होती है एडेसिव टेप होती है। उसके अलावा बैंडेज होती है ना बच्चों, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होती है, बैंडेज होती है ना। जैसे अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो टेम्प्रेरी हम उसको पैक कर सके, उसको बैंडेज कर सके, है ना। इसके अलावा एंटी डायरिया टैबलेट्स वगैरह होती है, अगर किसी को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, अचानक से उसको इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है ना, फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो वहाँ पे एंटी डायरिया टैबलेट्स वगैरह होती है, वो भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बच्चों एंटीसेप्टिक लिक्विड एंड ऑइंटमेंट भी होते हैं कि अचानक कहीं बहुत ज़्यादा उसको इंजर्ड हो गया, उसको जख्मी हो गया, पर्सन व्यक्ति को जख्मी हो गया, तो उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड के थ्रू या उसको ऑइंटमेंट के थ्रू उसको उस पर अचानक से उसको लगाया जाता है, ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। जब तक कि हम उसको हॉस्पिटल ले जाएं तब तक उसको रिलीफ मिल जाए, है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्किन डिसइंफेक्शन दिया जाता है। ये एक बच्चों एक तरह की एक लिक्विड होता है जिससे कि उसका जैसे अगर उसका ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए अचानक से उसको रोकने के लिए तो उसका यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट है कॉटन वॉल्स, कॉटन वॉल्स मतलब जो होती है वूल जो होती है मतलब जो रुई होती है हमारी, ठीक है, उसको वहाँ उसमें ऐड किया जाता है ना। उसके अलावा है एन ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना बच्चों, ये भी पेट से रिलेटेड अगर किसी को वॉमिटिंग या लूज मोशन हुआ है तो उनको ORS का घोल जो कहते हैं बच्चों, वो भी उसमें प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जब अचानक से कभी कोई दुर्घटना या कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई सिक हो जाता है पर्सन, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आपने देखा, आपके घर में भी ये कभी इमरजेंसी के रूप में इसको रखा जाता होगा, है ना। और यहाँ फिर आप देखिए ये सोशल सोसाइटी वगैरह होती हैं, ये रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह होती है, NGOs वगैरह होते हैं, ये भी इसको हमेशा अपने साथ में रखते हैं। जब भी कोई इस तरह की घटना या कहीं होती है नेचुरल डिजास्टर वगैरह, तो ये उसको उस समय हाथों हाथ उनको वहाँ के लोगों को वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, इसको समझिए, ताकि जब हम इसका वर्क करेंगे या एग्ज़ाम के लिए इसको लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाए, आपको समझ में आ जाए। फाइन, थैंक यू।